अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी से निवेदन करूंगा कि वो हम सबको अपने प्रेरणात्मक शब्दों से संबोधित करें। श्री योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा राज्य मंत्री माननीय श्री अजय भट्ट जी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के राज्य मंत्री माननीय श्री भानु प्रताप वर्मा जी, माननीय सांसद श्री अनुराग शर्मा जी, आज के इस राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, रक्षा सेनाओं के सभी अध्यक्षगण, रक्षा सचिव समेत सभी उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, उपस्थित महानुभाव, मैं वीर और वीरांगनाओं की इस पावन धरती झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के त्याग और बलिदान की इस पावन धरती पर राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के आज के समारोह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अन्य सभी गणमान्य अतिथियों का उत्तर प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज पूरा देश इस देश के प्रथम स्वातंत्र समर की अमर सेनानी रानी लक्ष्मीबाई की 193वीं पावन जयंती के कार्यक्रम को उनकी शौर्य और गाथा के साथ स्मरण कर रहा है। हम सब जानते हैं कि 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में विदेशी हुकूमत की चूले हिलाने वाली महारानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और पराक्रम को, शौर्य गाथा को वह हर भारतवासी बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े सम्मान के साथ स्मरण करता है, जिसे माता जन्मभूमि और मातृभूमि के प्रति जिसके मन में थोड़ा भी अनुराग है और मातृभूमि के प्रति रानी लक्ष्मीबाई के उस बलिदान को सदैव स्मरण करते हुए उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करता है और उनका अमर वाक्य हम सब के लिए एक मंत्र बन गया, जिन्होंने इसी झांसी में 1857 के पूर्व विदेशी हुकूमत को चुनौती देते हुए कहा था कि मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी। यह आज भी हम सबको माता और मातृभूमि के प्रति एक नया समर्पण का भाव हम सबके प्रति, हम सबको व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है। आज जब हम 193वीं पावन जयंती पर रानी लक्ष्मीबाई के इस पावन कार्यक्रम में हम यहाँ पर रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में इस आयोजन में विभिन्न परियोजनाओं के साथ यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने उत्तर प्रदेश का यह सौभाग्य है वे स्वयं भी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं और देश के अंदर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो दो डिफेंस कॉरिडोर स्वीकृत किए थे उनमें से एक उत्तर प्रदेश को दिया और आज उत्तर प्रदेश का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर इस दिशा में तेजी के साथ न केवल रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को बल्कि उत्तर प्रदेश में रोजगार और नौकरी की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि झांसी में 1034
हेक्टेयर का लैंड बैंक हमारे पास मौजूद है और जिसमें प्रस्तावित निवेश अब तक 603 करोड़ रुपए का हमें प्राप्त हुआ है। चित्रकूट में 101 हेक्टेयर का, कानपुर में 184 हेक्टेयर, अलीगढ़ में 81 हेक्टेयर और लखनऊ में 80 हेक्टेयर अब तक लैंड बैंक के रूप में हम लोगों ने अपने पास सुरक्षित रखा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज यहां पर अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की यहां पर लगभग 400 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर को डीआरडीओ के इस प्रोजेक्ट के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यहां पर 183 हेक्टेयर भूमि हम उत्तर प्रदेश शासन ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को प्रदान कर दी है। उसकी सभी प्रकार की लीज डीड की रजिस्ट्री की सभी प्रकार की कार्रवाई संपन्न हो चुकी है और यह कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ने का होगा। आज का दिवस हम सब के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए और पूरी दुनिया को प्रदूषण मुक्त वातावरण देने के लिए जिस एक नए अभियान को आगे बढ़ाया है, जिसका वो स्वयं नेतृत्व पूरी दुनिया के अंदर कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश ने उनके नेतृत्व में 2017 से अब तक 1440 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट अब तक प्रदेश में कमीशन किए हैं। और आज यहां पर प्रधानमंत्री जी ने स्वयं टीएसडीसी इंडिया लिमिटेड की भागीदारी से 600 मेगावाट के एक नए सोलर पावर प्लांट का यहां पर आधारशिला रखी है, जो इसी झांसी जनपद में स्थापित होगा। यहां पर इसके लिए हम लोगों ने पहले से ही 2850 एकड़ भूमि इसके लिए उन्हें आवंटित की है। 3000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश इसमें प्रस्तावित है और लगभग 6000 से अधिक रोजगार की संभावनाएं यहां पर इसके माध्यम से प्राप्त होंगी। इसके साथ ही यहां पर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अटल एकता पार्क का भी लोकार्पण किया है। सरदेव अटल जी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व उन्होंने देश की संसद में किया। भारत के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच एक भारत श्रेष्ठ भारत इस परिकल्पना को साकार करता हुआ अटल एकता पार्क आज यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की स्मार्ट सिटी मिशन का वह पार्ट है, जिसमें हमारे शहर भी अब केवल सामान्य बुनियादी सुविधाओं से युक्त न हो बल्कि अपने आप में स्मार्ट बने। और उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए न केवल वहां पर अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम हो बल्कि वहां पर लोगों को ये बुनियादी सुविधाएं भी प्राप्त हों, जिनके लिए शहरी क्षेत्र में एक सामान्य नागरिक आकर के एक विश्वास के साथ आता है। और आज उत्तर प्रदेश 17 ऐसी सिटी को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का कार्य कर रहा है। उसी स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत अटल एकता पार्क का लोकार्पण का कार्यक्रम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने झांसी में भी यहां पर किया है। बुंदेलखंड के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस बात को लेकर के एक तरफ बुंदेलखंड के एक छोर पे प्रधानमंत्री जी ने आज जल जीवन मिशन से जुड़े हुए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से जुड़े हुए बड़े बड़े परियोजनाओं का लोकार्पण किया है, राष्ट्र को उन्हें समर्पित किया है। और आज दूसरी ओर रक्षा सेना को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जय जवान जय किसान के इस अभियान को साकार करने और हर काम देश के नाम इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आज स्वयं बुंदेलखंड की धरती पर आकर के उन्होंने इस अभियान को आगे बढ़ाया है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व पर आजादी के अमृत महोत्सव के इस पावन अवसर पर
राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के इस आयोजन पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के इस त्याग और बलिदान की इस भूमि पर उनके 193वीं पावन जयंती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सभी उपस्थित गणमान्य अतिथियों का इसके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।